नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बलिया पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिले में बाढ़ का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कल भी वाराणसी पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लिया था, और आज बलिया पहुंचे हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनसे वहां भी जाएंगे और जिले में बाढ़ को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी है इसका जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ बाढ़ पीड़ितों से भी मिलेंगे सीएम योगी। जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बलिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और खबर है दिल्ली से, जहां पर वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी घोषित की गई है। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देश में लगभग 2 करोड़ गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। साल 2005 से पहले की गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन का नहीं देना होगा टैक्स। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, साल 2005 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो स्क्रैप की जाएंगी, पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन का नहीं देना होगा टैक्स। वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी घोषित। तो केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो देश में लगभग 2 करोड़ गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। तो वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी घोषित की गई है। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। देश के लगभग 2 करोड़ गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। साल 2005 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो स्क्रैप की जाएंगी। पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन का नहीं देना होगा टैक्स। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे और पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन का नहीं देना होगा टैक्स। फिलहाल आपके पास इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से इस स्क्रैप पॉलिसी की मांग की जा रही थी। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि स्क्रैप पॉलिसी लाना बेहद जरूरी है। उसके पीछे की वजह सिर्फ ये थी कि बहुत सारी गाड़ियां देश में अगर देखा जाए तो 2015, अब माफ कीजिएगा, 15 साल पहले की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अभी भी सड़कों पर फराटे भर रही हैं, और इसको देखते हुए इसको रोकने के लिए पहले दिल्ली में तो इसके लिए कानून बना दिया गया था कि 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ी है वो नहीं चलेगी, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है वो नहीं चलेगी, लेकिन पूरे देश को लेकर के ये पॉलिसी लाई गई है और ये अपने आप में बेहद अहम है। और इसके तहत पूरे देश में जो है अलग अलग फिटनेस सेंटर खोलने की बात की गई है। लगभग 400 से 500 तक जो है पूरे देश में जो स्क्रैप सेंटर होंगे जो है वो माफ कीजिएगा जो आपके फिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो सेंटर है वो खोले जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का है स्क्रैप पॉलिसी को लेकर के। 15-20 साल पुराने वाहन पूरी तरीके से हटाने की तैयारी में है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेज में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लगातार जो है अगर देखा जाए हम लोग डीजल इंजन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वजह से आप पुरानी गाड़ियों को आपको सड़कों से बाहर करना होगा। अगर एक औसत के हिसाब से देखा जाए तो अकेले दिल्ली के अंदर 14,000 पेट्रोल और डीजल गाड़ियां प्रतिदिन रजिस्टर्ड होती हैं, तब आप समझ के चलिए क्या कितना बड़ा बोझ सड़कें ढो रही हैं। और इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो 10 साल पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियों की है। अब उन्हें चलन से बाहर करने के लिए ये पूरी स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत लोगों को फायदा भी दिया जाएगा, अगर उनकी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा तो इसके साथ ही उनको नए रजिस्ट्रेशन में उसका माइलेज भी मिलेगा, उसका प्रिविलेज भी दिया जाएगा। और इसके साथ ही पूरे देश में फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे, ताकि जगह जगह पर फिटनेस सेंटर खोल करके उन्हें PPP मॉडल पर डेवलप किया जाएगा, और फिटनेस सेंटर के जरिए गाड़ी की फिटनेस होगी। अगर ये लगता है कि हाँ गाड़ी फिट नहीं है सड़क पे चलने लायक, तो उसको स्क्रैप पे भेज दिया जाएगा और स्क्रैप का माइलेज जो है उस गाड़ी मालिक को दिया जाएगा। तो ये नई पॉलिसी देश में बेहतर होगी। हालांकि इसका विरोध भी होता रहा है, पहले इस बात को लेकर विरोध हो रहा था कि स्क्रैप पॉलिसी के जरिए बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी पूरी तरह फिट हैं लेकिन उनकी समय अवधि पूरी हो गई है, ऐसे में उन्हें हटाना कहीं से लॉजिकल नहीं है, इसीलिए फिटनेस को जोड़ दिया गया है। ठीक है,
ब्रजेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, ट्विटर के एक्शन पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। मेरे लाखों फॉलोवर हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है, उनका अपमान कर रहा है ट्विटर, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, राहुल ने कहा ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है, ट्विटर की कार्रवाई भारतीय लोकतंत्र पर हमला है, ये राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा क्या है। तो इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है ट्विटर का जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है, ट्विटर के एक्शन पर राहुल गांधी का बयान, मेरे लाखों फॉलोवर हैं, उनका अपमान कर रहा है ट्विटर। हमारे साथ बने हुए हैं एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी। ब्रजेश जी, जिस तरह से देखा जाए राहुल गांधी ने सीधे ट्विटर पर निशाना साधा है, उनकी तरफ से कहा गया हमारे लाखों फॉलोवर हैं, उनका अपमान ट्विटर कर रहा है, इसके साथ ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर के तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट को जो है ब्लॉक किया गया है, उसके बाद से ट्विटर के साथ कांग्रेस का विवाद अपने चरम पर आ गया है। अभी राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना बयान जारी किया और साफ तौर पर कहा कि जो मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर में जो है उन सबके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है ट्विटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी तरीके से गलत है। तो राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कल प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर के बयान दिया था, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का भी बयान इस राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने को लेकर के आया था। तो कुल मिलाकर के अभी जो ट्विटर का ब्लॉक करने का पूरा मसला है, ये दरअसल सियासी रुख अख्तियार करता जा रहा है। कांग्रेस हमने बोल रही है कि बीजेपी के सह पर ट्विटर ने पूरा जो है ये अकाउंट बड़े नेताओं के ब्लॉक कराए हैं और 5000 कांग्रेसियों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुए हैं। ये सीधे तौर पर आरोप है कांग्रेस का कि बीजेपी के इशारे पर 5000 कांग्रेसियों के ब्लॉक किए गए, जिस पर राहुल गांधी भी शामिल है। और यही वजह है कि अब लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है, प्रियंका गांधी की तरफ से एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसमें मैं भी राहुल गांधी हूं करके पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस ट्विटर के जो है अकाउंट ब्लॉक करने के मामले को किसी तरीके से सियासी ढंग से तूल दिया जाए और लगातार जो है इसका उसको मुद्दा बनाया जाए। लेकिन तो राहुल गांधी की तरफ से ब्रजेश जी, ट्विटर की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तमाम नियम है उनकी अवहेलना की गई, उनका पालन नहीं किया गया, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी हमने देखा था बीजेपी के भी तमाम बड़े नेताओं के अकाउंट ब्लॉक किए गए थे, हालांकि कुछ ही देर बाद उनको अनब्लॉक भी कर दिया गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और ट्विटर के बीच में तकरार नए आईटी नियमों को लेकर के थी, लेकिन दरअसल सरकार द्वारा बनाए गए जो आईटी नियम है वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आप उस रूल का वायलेशन करते हैं तो आपको जो भी सोशल मीडिया साइट्स होगी उसे वो ब्लॉक कर देगी आपको। और इसीलिए बाकायदा सरकार ने खुद इस बात को लेकर के कहा है कि आप वो पैरामीटर तैयार कीजिए, उस तरह के फिल्टर आप डिजाइन कीजिए कि आपको जो है ये ट्रैक कर सके। और जिस तरीके से एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया ट्विटर के जरिए, उसको लेकर ट्विटर ने पूरी कार्रवाई की। ट्विटर इंडिया ने साफ कहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी, अगर इस तरह से कोई किसी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल राहत थमती नजर नहीं आ रही। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किन किन नेताओं के अकाउंट बंद हुए हैं। राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर, सुष्मिता देव, जितेंद्र सिंह अलवर, पूनम प्रभाकर, हरि सिंह रावत, गणेश खोदियाल, प्रणव झा, पवन खेड़ा, रोहन गुप्ता, अनिल चौधरी, रिपुण बोरा, मदन मोहन झा, रजनी पाटिल, चेला कुमार, रेवंत रेड्डी, बाला साहेब थोराट, गौरव बल्लभ, ये वो हैं जिनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया है ट्विटर ने। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, this is, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing.
because taking sides in the political contest has repercussions. और बागपत में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ है. एसपी नीरज जादौन ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है. ट्रैफिक पुलिस के अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ. एक उपनिरीक्षक, ट्रैफिक इंचार्ज समेत 3 आरक्षी लाइन हाजिर हुए. ट्रैफिक पुलिस कर रही थी ट्रक चालकों से अवैध वसूली. NH709B दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर चल रहा था वसूली का धंधा, तो ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था. एक उपनिरीक्षक, ट्रैफिक इंचार्ज समेत 3 आरक्षियों को लाइन हाजिर किया गया है. ट्रैफिक पुलिस कर रही थी ट्रक चालकों से अवैध वसूली. और इस खबर पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है. प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ा असर हुआ है. कार्रवाई की गई. एसपी नीरज जादौन ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है. तो ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था. तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस अवैध वसूली करते हुए नजर आ रही है. इस वीडियो को लेकर जब प्रमुखता के साथ हमने न्यूज वन इंडिया ने खबर दिखाई, इस पर कार्रवाई की गई है. ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो बागपत में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहाँ पर SP नीरज जादौन ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है. TSI एवं अन्य 3 पुलिसकर्मियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, जिस आधार पर इनको लाइन हाजिर किया गया है और विस्तृत जांच और विभागीय कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकारी खेकड़ा को निर्देशित किया गया है. शीघ्र ही रिपोर्ट आने पर जो आवश्यक कार्यवाही है वो सुनिश्चित कराई जाएगी. TSI एवं अन्य 3 पुलिसकर्मियों की गतिविधियाँ संदिग्ध हैं, जिस आधार पर इनको लाइन हाजिर किया गया है और विस्तृत जाँच और विभागीय कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकारी खेकड़ा को निर्देशित किया गया है. शीघ्र ही रिपोर्ट आने पर जो आवश्यक कार्यवाही है वो सुनिश्चित कराई जाएगी. TSI एवं अन्य. और वहीं प्रतापगढ़ में अशांति फैलाने की घिनौनी हरकत नाकाम हुई है. बाहुबली विधायक के लिए लगाए भड़काऊ बयान के बैनर राजा भैया के कॉलेज की बाउंड्री वॉल पर लगाए गए हैं. बैनर भड़काऊ बयानबाजी के फोटो के साथ लगाए गए हैं. बैनर अकबरुद्दीन ओवैसी, आजम खां और जाकिर नाइक बैनर में बीती रात अराजक तत्वों द्वारा बैनर लगाए जाने का यह अंदेशा. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हटवाए बोर्ड और बैनर. प्रतापगढ़ के कुंडा कस्बे के TP इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला है. राजा भैया के कॉलेज की बाउंड्री वॉल पर यह बैनर लगाए गए हैं. भड़काऊ बयानबाजी के साथ फोटो के साथ लगाए गए बैनर. भड़काऊ बयानबाजों के फोटो के साथ ये बैनर लगे. अकबरुद्दीन ओवैसी, आजम खान, बीती रात अराजक तत्वों द्वारा बैनर लगाए गए. ये देखिए आजम खान का, जाकिर नाइक का पोस्टर लगा है. तो भड़काऊ बयानबाजी करने वाले लोगों के ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं. ये देखिए कस्बा कुंडा जनपद प्रतापगढ़ में आज कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कुछ आपत्तिजनक होर्डिंग लगाए गए, जिसकी सूचना मिलते ही CO कुंडा और इंस्पेक्टर कुंडा के द्वारा तत्काल प्रभाव से सभी होर्डिंग्स उतार दिए गए और इसकी जांच की गई. इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया. लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं. लखनऊ से UP के 2 और जिलों में लागू हो सकती है कमिश्नरेट प्रणाली. CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया बड़ा आदेश. 3 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं. विधानसभा चुनाव से पहले 2 जिलों में लागू हो सकती है प्रणाली. प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद बन सकता है नया कमिश्नरेट. CM और कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगी कमिश्नर की नियुक्ति. यूपी के 4 जिले लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और नोएडा में लागू है कमिश्नरेट. तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर CM और कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगी कमिश्नर की नियुक्ति. यूपी के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और नोएडा में लागू है कमिश्नरेट. तो और भी जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा सकती है. दरअसल कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर फोकस किया जा रहा है. 4 जिलों में पहले ही लागू है और अब और भी जिलों में ये प्रणाली लागू की जा सकती है. कानपुर में भीड़ की ओर से युवक की पिटाई के मामले में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का
पीड़ित परिवार की महिलाओं ने विरोध किया है। पूरा मामला धर्मांतरण को लेकर है और वहीं आरोपी के परिजनों का कहना है कि धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। जिससे बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कानपुर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम युवक की कुछ भारी भीड़ पिटाई करती हुई नजर आ रही है। मार खा रहे युवक हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला था। क्या नाम है आपका? जी अफसर अहमद। अफसर, क्या मामला था, क्या हुआ था उस दिन? मुझे कोई मामले में कोई नहीं मालूम था कुछ। मैं गया था ई रिक्शा बनवाने के लिए कर रही से मैं वापस आया तो यहाँ मतलब पुलिस शासन लगी हुई थी, जनता दल की जो जय बजरंग बली वाले थे वो भी यहाँ थे। तो मैंने यहाँ आकर के अपने घर के सामने अपने बच्चे उतार करके मैं मिल गई सवारी, तो मैं मेहरबान सिंह पुरवा को जा रहा था। तो एक सवारी हमारी वरुण विहार को मिली, तो वरुण विहार की गली में मैंने जो मोहरम गिट्टी की दुकान है उस दुकान के सामने प्रदीप नाम है, मैंने ब्रेक लगा के उस सवारी को मैं उतारने लगा। इधर से नारे लगते हुए जा रहे थे, तो नारे की जब आवाज़ सुनी तो हम पीछे पलट के देखने लगे। जब पीछे पलट के देखे तो जो रानी है ये बोली, ये है मुल्ला। जब तक हमने मतलब गाड़ी बढ़ा दी थी, बोले ये मुल्ला भागा जा रहा है, इसको पकड़ो, इसको मारोगे, ये ही बताएगा सब कुछ, इनके ये भतीजे हैं, ये चाचा हैं, यही दाढ़ी वाला है। तो ये लोग हमको लखेते जी, यहाँ को लोग पकड़े गए हैं। अब मुझे तो मतलब यहाँ से पुलिस शासन जाने नहीं दे रही है, तो मामला गर्म है, तो हमारे घर के सामने ही पुलिस बैठी हुई है, हमारी पूरी हेल्प पुलिस ही ने किया है मुझे। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने? जी हम अभी सुरक्षित हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पर अशरफ ने हमको साफ तौर पर बताया है कि उनको भीड़ ने पीटा है, जबकि इस धर्मांतरण के मामले से उनका कोई लेना देना नहीं था। अशरफ की जिस वक्त पिटाई हो रही थी उस वक्त उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी जो अपने पिता को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी, मगर उन्मादी भीड़ उनको जमकर पीटती हुई नजर आई। वहीं अशरफ अब पूरी तरीके से पुलिस के घेरे में है और पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। ऐसे में इस पूरे मामले की अभी भी जाँच चल रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर। खबर है फरुखाबाद, जहां पर कॉलोनी के नाम पर 20,000 की वसूली। पंचायत मित्र ने कॉलोनी के नाम पर की वसूली, 20,000 रुपए मांगने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। एक ही घर में तीन कॉलोनी देने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने ही नहीं दिए 20,000 तो नहीं मिली कॉलोनी। गांव के चार लोगों ने पंचायत मित्र और प्रधान पर आरोप, लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी नहीं दी गई कॉलोनी। ग्रामीणों ने मामले की जांच के लिए BDO से शिकायत की, शिकायत के बावजूद नहीं हुई पंचायत मित्र पर कार्रवाई। ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र के अहमदगंज का ये मामला है। तो लिस्ट में नाम होने पर भी कॉलोनी नहीं दी गई, कॉलोनी के नाम पर 20,000 रुपए की वसूली की जा रही है। और खबर अलीगढ़ से, जहां पर खेत पर पानी लगाने गए किसान की मौत। बिजली के पोल में करंट लगने से मौके पर ही किसान की मौत हो गई। किसान की मौत से ग्रामीणों में दिखा भारी आक्रोश। विधायक, SDM और CO ने ग्रामीणों को समझाया। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के चंद्रौला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विधायक, SDM और CO ने ग्रामीणों को समझाया है। थाना गभाना क्षेत्र के चंद्रौला गांव का ये मामला है। तो खेत पर पानी नहीं लगाने को लेकर तो किसान की मौत से ग्रामीणों में दिखा भारी आक्रोश। तो खेत पर पानी लगाने की गया था किसान, जिसके बाद बिजली के पोल से करंट लगने से किसान की मौत हो गई। थाना गभाना क्षेत्र के चंद्रौला गांव का मामला है। बिजली के पोल में करंट लगने से मौके पर किसान की मौत हो गई। और वहीं हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ से हुई तबाही से बेघर हुए लोगों को BJP के दर्जा प्राप्त मंत्री बाबूराम निषाद ने बाढ़ पीड़ितों के कैंप और सड़क किनारे झोपड़ियां डालकर रह रहे पीड़ितों से उनकी समस्याएं सुनी और खाने पीने का सामान समेत राहत सामग्री बांटी।
इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे दर्जा प्राप्त मंत्री बाबूराम निषाद ने न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता अभिषेक कुमार से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा है उन्होंने सुनिए। हमीरपुर जिले में बाढ़ की आज तबाही है देखने को लेकर यहाँ दर्जा प्राप्त मंत्री बाबूराम निषाद आए हैं। आप उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या सुविधाएं मुहैया कराने आए जी। बाढ़ पीड़ितों के लिए फलों का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ बहुत यहाँ आई थी जिससे ग्रामीण अपना घर बार छोड़कर रोड के किनारे शिफ्ट हुए हैं, कहीं विद्यालय में शिफ्ट हुए हैं। इस कारण से इनकी सेवा करना हमारा सबका प्रथम परम कर्तव्य है हमारे प्रशासन की तरफ से और यहाँ व्यवसायियों की तरफ से, मोरम में काम करने वाले अन्य ऐसे व्यापारियों के माध्यम से इतनी सेवा की जा रही है कि वाकई में हम हतप्रभ हैं कि जब सेवा की बात आती है तो हमीरपुर जनपद और हमीरपुर नगर के लोग और सभी धर्म जात के लोग और सभी पार्टी के लोग सेवा के लिए आगे निकल कर आते हैं। और मैं लगातार 3 दिन यहाँ देख रहा हूँ कि जितना भी बाढ़ से पीड़ित भाई बहन है उसकी सेवार्थ लोग बहुत अच्छे मन से कर रहे हैं। उसी क्रम में मैंने अपने को जोड़ा है। मंत्री जी ये बताइए, सरकार बाढ़ पीड़ितों को क्या कुछ खास विशेष कर रही है? उनके घर डूब गए हैं, प्रताड़ित हैं, किस तरीके से यहाँ पर सरकार उनका पक्ष रख? निश्चित रूप से सरकार ने और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अगुवा हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पर जिले के बाढ़ पीड़ितों को संज्ञान लिया है। उन्होंने स्वयं हेलीकॉप्टर के माध्यम से चलकर नदी के किनारे किनारे जाकर अवलोकन किया है और उन्होंने मीटिंग के दौरान स्पष्ट निर्देश किया है कि बाढ़ में जो लोग प्रभावित हुए उनको, उनके पशु और उनके लिए किसी भी तरीके की कठिनाई ना आए। खबर है लखनऊ से, जहां पर 15 अगस्त को सम्मानित होने वाले जेल कर्मियों की सूची जारी। कारागार विभाग के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मिलेगा सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 98 जेल कर्मी होंगे सम्मानित। जेल अधिकारी कर्मचारियों को कमेंडेशन डिस्क देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि जिस 39 गोल्ड कमेंडेशन डिस्क तथा 59 सिल्वर कमेंडेशन डिस्क दी जाएंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।